25 दिसंबर 2022, हमारे पास आते हैं रात में कुछ फॉर्म्स, और वो फॉर्म्स होते हैं इंजीनियरिंग कैम के, मुझे नहीं पता। तो हमने जैसे तैसे करके इंजीनियरिंग कैम के लिए अप्लाई किया, और फॉर्चुनेटली मेरिट बेस पे कुछ बच्चों की सिलेक्शन हुई जिसमें मैं भी था। तो वेट किस बात का, कैंप में नाम आ गया, सब कुछ फंडेड है, पैकिंग करो और निकलो। तो ये जो है ना, सारी पैकिंग शैकिंग हो गई है, हम अपनी मंजिल के लिए रवाना हो चुके हैं, और आपके भाई ने ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक स्वेटशर्ट और ब्राउन जैकेट पहनी है, और ये सामने बस का इंतज़ार हो रहा है। ये बस लेके जाएगी हमें ऑटोगार, फिर वहाँ से हमें वान की बस लेनी है, और 23 घंटे का तकरीबन सफ़र है। तो बस तो आपको दिख ही रही है, तो बस इसमें जाना है। ये हॉस्टल हमारा पीछे ही रहा, और हॉस्टल से हम लोग जा रहे हैं पहले ऑटोगार। ठीक हो गया, तो चलते हैं फिर। ये फाइनली हम इधर आ गए ऑटोगार पे, और ये बस स्टेशन है, और इधर से जो है ना हमें अपनी मंजिल की बस मिल जाएगी। तो हमारे हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 15-20 मिनट की, तो हमने 2 बसेस चेंज करी हैं, और इनका बस स्टेशन कुछ ऐसा है। अभी हम इधर आ गए, और हमारी बस कोई 12 बजे भी है, 1 घंटा, तो हम इधर वेट ही करेंगे। इधर मेरा दोस्त भी है दूसरा, एक टर्किश, तो उसको भी हम देख रहे हैं। और कहाँ पर है यार ये मेरा दोस्त है, मेरा शामिल टर्किश दोस्त है, ये भी हमारे साथ जा रहा है। तो ये बस वगैरह हमारी आ गई है इधर, और यहाँ पे हमने बैग शेक रखने हैं। यही वाली बस है वो, तो बस को मेरे की दिया वान में। तो ये बैग शेक जो है ना, हमने अभी इसके अंदर रखने, पहले बस में अच्छी खासी कैपेसिटी होती है। क्यों शामिल है? वान कौलतुक ने यर्मी बेश ये आ गया बैग अंदर, ये अंदर चला गया सेफली। अब हम जाएंगे अंदर। आ रहे भाई आ रहे, थोड़ा सबर कर लो, 23 घंटे का सफर है, बीच में कोई ब्रेक श्रेक भी मिलती है। तो ये हमारी थी पहली ब्रेक जिसमें हम उतरे, बाहर शहर गए और ये सब किया। हाँ भाई, फाइनली अभी हम लोगों ने पूरा 6 घंटे का सफ़र मुकम्मल कर लिया है, और अभी ब्रेक शेक मिला है, पीछे बस धुल रही है, खड़ी हुई है बस। और अभी हम लोग उस्मान जिले पे हैं, इनका कोई शहर है, और हमने तकरीबन कोई 8 या 6 शहर जो है वो क्रॉस कर लिए हैं, और अभी भी हमारा सफ़र रहता है। मतलब कल 12 बजे पहुँचना है या 11 बजे पहुँचना है हमने, और अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से कोई 5 या 6 बज रहे, तो हम लोग 12 बजे निकले थे। तो अभी हमारे पास आधे घंटे का वक्फा है, पीछे रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है, ये इनका बस स्टॉप है अच्छा सा, और यहीं पर हम लोग खड़े हुए हैं अभी। तो ये है कि मतलब काफ़ी जो है ना, मतलब इतनी लंबी ट्रैवलिंग विदाउट नॉन स्टॉप, और अभी जो है ना ब्रेक मिला है। तो अभी अंदर चलते हैं, नमाज वमाज पढ़ते हैं, मस्जिद ही बनी हुई है साथ, और कुछ खाने पीने का भी सीन देखते हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह का सेट है। ये दोस्त है मेरे यहाँ पे जो है ना, ये कोई इनके मशहूर चने शने हैं, तो ये वो ले रहे हैं, कोई चने शने हैं ये वो यहाँ के मशहूर। तो अभी ये चेंज चेंज करा रहे हैं इसको ना, इसको थोड़े से वो नमक वाले चाहिए भाई को। ये कर रहे हैं, बस हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है, और बस अभी बस हमें फ़ौरन निकलना है, क्योंकि टाइम जो है ना बिल्कुल कम हो गया। आप सीनरी चेक कर रहे हैं, मतलब ये पहाड़ शहाड़, वहाँ पे थोड़ी सी ना झील टाइप है, नज़र नहीं आ रही आपको, ये टर्की का झंडा है, ये बस है हमारी, और बस हमें निकलना है अभी थोड़ी देर में। सफ़र करते हुए तकरीबन कोई 20 घंटे हो चुके हैं। अब अभी जो है वो वान सिटी के बहुत करीब है, और तकरीबन अभी हमारा 1.5-2 घंटे का सफ़र अभी मज़ीद है, और हम लोग ने सफ़र में बिल्कुल सोए, खाए, पिए, बहुत सब चीज़ें करी हैं, लेकिन ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा और तवील था। सूरज वगैरह का पता भी नहीं चल रहा था रास्ते में, तो हमें पता भी नहीं था कि दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, तो बस वो टाइम देख के नमाज़ पढ़ रहे थे। और अभी जिस जगह भी हम हैं, इसमें ये यहाँ पे जो है ना बर्फ़बारी वगैरह
मतलब सूर्य पे और फुल जाना बाहर वाइट वाइट सा होता है। अमासिया, तोकात, मलातिया, तातवान, रजरूम, उस्मानचे, चोरूम, मतलब काफ़ी ना 20-22 शहरों से होती भी आ रही है हमारी बस। तो आधा टर्की तो मतलब ऐसी जो है हमने ना देख लिया है। तो अभी भी सब सो सो के उठे हैं, बस थोड़ी खाली हो गई है क्योंकि हम ही बैठे हैं कब से 30 घंटे से। तो बस अभी पहुँचने वाले, पर वहाँ से फिर जब हम लोग पहुँचेंगे उनके ऑटो कार पे उनके बस स्टॉप पे, फिर वहाँ से हमें हॉस्टल की बस उधर से पिक कर लेगी और फिर हॉस्टल तक लेके जाएगी। तो ये गुड सीन अब आगे का मतलब इतना मसला नहीं है। तो ये अभी अभी जो है ना हम लोग ये वाहन ऑटो कार पहुँच गए हम अपनी मंजिल पे, और अभी यहाँ से हमें हॉस्टल जाना है। तो ये दोस्त जो है ना टर्किश मेरा, ये अभी कॉल कर रहा है, पूछ रहे हॉस्टल वालों से कि आप लोग कब आ रहे हो, किधर आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमें रिसीव करने, ताकि हम लोग भी फिर यहाँ से जाएँ। तो बिल्कुल अभी अभी हम लोग इधर पहुँचे और बस अभी हॉस्टल वाले आएंगे अपनी बस वगैरह में और हमें लेके जाएंगे इधर से। तो बस अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर जाएंगे इधर से। बर्फ़ चेक कर रहे हैं आप लोग कितनी है इधर, बुढ़दान मो, चलो चलो चलो, स्लिप हो जाऊँगा, स्किड करूँगा मैं जल्दी। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना ये आ गए खुश बुलदुख हांगी हो तो बस ओमो अवैध अवैध पंदम सही से नहीं थे मोहम्मद सफ़ीर मोहम्मद सफ़ीर शामिल इसमें हाँ। अच्छा भाई यहाँ पे बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट भी हो रही है, जमी हुई भी है, और बस हमारी मेरे ख्याल से ये रही यहाँ से बैग हाथ में लेना पड़ेगा, ये जूते वूते भी सब गीले हो गए यार। benimki Muhammed Safir Safir Muhammed Safir Rehman Ansari Muhammed sen bana dönüş yapmış mıydın? Hayır. Tamam. Muhammed Safir değil mi? Evet Muhammed Safir. हम लोग अभी बस से उतर गए और अब हम लोग जाएंगे हॉस्टल में। हां benim o. हांगी तरफ शेख हमें बस बैग देख के चलना ही यूँ करके। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना जो सीन है ना बड़े ठंड है, और ये हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, वान यूनिवर्सिटी है, वान सिटी में उसी के अंदर यूनिवर्सिटी में है। और अभी हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं अकोमोडेशन के लिए, जाकर बैग चेक रखें और सेट हों, तो अंदर जाके मिलते हैं। बाकी बर्फ़ वर्फ तो आप देख ही रहे, ये सीन है। अभी लिखत पढ़त हुई है हमारी और हमें चीज़ें वगैरह मिल रही हैं। कौन से फ्लोर है शामिल बिरंजी में? ये हमें बॉक्स वगैरह दिए गए, इसके अंदर चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, मेरे साथ शामिल है। और कौन सा रूम है हांगी नुमरान उदन इमरान हांगी 21 ये दिन। तो हम तीन बंदे हैं और अभी हम रूम के अपने रूम में जा रहे हैं, तो ये है, और फिर रूम वगैरह में जाके मिलते हैं। ये हमारा रूम, ये रूम है हमारा। खैर रूम टूर तो हम आपको अभी देते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये है कि फाइनली जो है हम लोग इधर आ गए, और ये हमारे है अब तकरीबन कोई 5 दिन का जो है ना हम इधर ही रहेंगे। अच्छा भाई अभी सफ़र वगैरह से आए, कमरा वगैरह सेट किया, अभी जो है ना बड़ी ख़तरनाक सी भूख लग रही है। तो अभी हम लोगों ने उनसे पूछा भाई क्या सीन है खाने छाने का इधर हॉस्टल में, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही है। और तो अभी हम लोग ये में खाने की तरफ जा रहे हैं, मतलब खाने वाली जगह की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद नमाज शमाज भी पढ़नी है। और मतलब बर्फ़ हर जगह, हम लोग चप्पलों में चल रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कितनी भी ठंड है। मतलब पाँव की बात करना दिखाता हूँ, ये बर्फ़ है और ये आपके भाई सब जो है ना नंगे पैर चल रहे हैं इधर, क्योंकि हमें भूख ने इतना सताया हुआ है, हमें ठंड भी अभी ना महसूस नहीं हो रही, ये सीन चल रहा है। पर अच्छा तो अब आ जाते हैं खाने की तरफ, कि इन लोगों ने हमारे लिए कौन से शाही खाने और लवाजमात तैयार करके रखे हैं। तो खाने को देखते हैं, पहले आगे जाना है तो खाने में जो है ना आज एक चोरबा है, और इसके साथ जो है ना कोई मखल से वो है स्पेगेटी मैकरोनी टाइप की कोई चीज़ होती है इनकी, पास्ता टाइप की ना वो है, और साथ में आलू और बीफ का मिक्स है। तो ये खाने में आज शुक्रिया।
अच्छा ये ले लिया हमने, अब आगे से हमने क्या लेना है, आगे से हमने लेनी है इकमेक, इनकी ब्रेड ऐसी होती है ताज़ी ही है वैसे तो सारी है। ये वाली ले लेते हैं, आई थिंक ये काफ़ी होगी। और इसमें से पुर्तगाल कोई हमने देख नहीं वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी हम लोग आ गए, ट्रे रेडी है मेरी भी और दोस्त की भी, और हमने अभी यहाँ पे ना छोटे साइन शाइन वगैरह करने मेरे ख्याल से, तो क्योंकि वहाँ पे फिंगरप्रिंट सिस्टम होता है। अब यहाँ पे हम लोग एज़ ए मुसाफिर है, न्यू स्टूडेंट है, तो हम लोग यहाँ पे साइन शाइन करेंगे, तो फिर मिलते हैं अभी यहाँ पे साइन शाइन करने के बाद। छुरी कांटे चलना तो भूल ही गया, एक चमचा बल्कि दोनों चमचे ले लेते, ठीक हो गया। तो ये रहा खाना आज का, इसमें दही है, चोरबा है, और ये पास्ता टाइप की चीज़ें, और आलू और कीमे मतलब गोश्त का ना बड़े गोश्त का साल है। तो ये आज का खाना पहले दिन का। चलो तो ये खाना शाना खा लिया, कीनू शीनू मैंने उठा लिया था अपना, और बाहर तो भाई बड़े बर्फ़ पड़ रही है, और ये लोग जो है वो बर्फ़ बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं। तो लाइक सिलसा होना सा है यार। तो ये हमारी बिल्डिंग है हॉस्टल की, ये साइड वाली सीधे हाथ वाली, और अभी तो जो है वो जाऊंगा मैं, कब रूम वूम सेट करूंगा, सामान वामान ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, और बस आराम शराम करूंगा क्योंकि 30 घंटे का सफ़र था, और अभी मुकम्मल हुआ है, खाना शाना खाया है। तो ये है कि अभी अंदर चलता हूँ रूम में। ये अंदर आ गया हूँ मैं, सीढ़ियों से ही चलते हैं। हायर योग मोहम्मद सफ़ीर रहमान अंसारी, गार्ड भी आ गया। अच्छा भाई तो ये मेरा कार्ड भी आ गया है कैंप का, क्योंकि हम इस हॉस्टल वगैरह में हैं, और इधर लाइक आपको अपनी शनाख्त या मतलब आइडेंटिटी वगैरह होती है हर काम की, हर चीज़ की। तो ये इस कार्ड मिल गया मुझे, पहले नहीं मिला था। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, 208 ये वाला है, 207 हाँ। ये है रूम, और ये देख रहे कपड़े शपड़े जूते छूते सब बाहर जो है ना, ऐसी जूते भी बाहर रखे हैं क्योंकि गीले हो गए थे। तो यहाँ पे ये घड़ी शड़ी सब कुछ ये रखा हुआ है। तो ये कि इन सब चीज़ों को सेट करना है पहले, उसके बाद इस रूम का टूर मतलब इस रूम का व्यू वो अलग से एक एपिसोड मतलब एक ना व्लॉग की अलग वीडियो बनेगी इस रूम का, और इसमें वॉशरूम वगैरह सब कुछ दिखाऊँगा मैं। तो ये है कि अभी ये सब चीज़ें सेट करनी है, उसके बाद मिलता है, ठीक है।